तो आपने देखा कि एक बार फिर से सांबा में आज एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया है टोल के विरोध में और युवा राजपूत सभा के सदस्यों की फेवर में कि उनको जल्द रिलीज किया जाए, उनके ऊपर लगी एफआईआर खारिज की जाए और टोल प्लाजा को हटाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार सांबा में आज प्रदर्शन हुआ है, जिसमें मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि जिला सांबा का सब डिविजन गगवाल जो है बंद रहा, वहां पर मार्केट बंद रही, वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी ब्राह्मणा की बात करें तो वहां पर भी मार्केट बंद रही, लोगों ने प्रदर्शन किया और सांबा में भी आज प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसमें तमाम सांबा की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तमाम सिविल सोसाइटीज के लोगों ने, इसी के साथ साथ व्यापार मंडल, तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो टोल के विरोध में रखी और युवा राजपूत सभा के सदस्यों के फेवर में रखी, यानी उनके समर्थन में रखी। और जिस तरह से कुछ लोग जो है वो आज सांबा में अनशन पर भी बैठ चुके हैं, तो अब देखना यह कि स्थिति क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में बयां करती है। टोल का विरोध लगातार किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन हर सिचुएशन पर नजर रखे हुए है कि क्या कुछ हालात जो बनते हैं, क्योंकि हालात खराब ना हो उसको लेकर पुलिस बल भारी तादाद में यहां पर तैनात किया गया है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये ताजा सूरत हाल है सांबा जिला का। ओवरऑल यहां पर प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है टोल के विरोध में और युवा राजपूत सभा के सदस्यों की सपोर्ट में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह में ये मैं कहूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा ही निंदनीय स्टेप लिया गया है। जो शांतिपूर्ण चल रहे इस संघर्ष को इन्होंने उसको तीव्र करने की जो हमारी ये कोशिश है, ये बिल्कुल एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट युवा राजपूत सभा की तरफ से चल रहा था और ये टोल प्लाजा जो कि बिल्कुल इलीगल चल रहा है पिछले कई सालों से, हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर के तले भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल हमने 7 अप्रैल को भी एक धरना दिया था कि गडकरी साहब कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बताइए कि ये टोल प्लाजा यहाँ पर इलीगली कैसे रन कर रहा है? कौन से ऐसे लीडरान, सीनियर लीडरान हैं जिनकी मिलीभगत से ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर चल रहा है? तो बिल्कुल एक निंदनीय स्टेप है जो हमारे जम्मू के कार्यकर्ता, जो हमारे बिल्कुल शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन कर रहे थे, जो YRS के जो कार्यकर्ता वहां पर धरने पर बैठे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको हिरासत में लेना, पहले उनको पुलिस लाइन सांबा में रखना और अब उनको सुनने में आ रहा है कि FIR लॉज हुई है और कठुआ जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं कहूंगा ये बड़ा ही एक निंदनीय स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है और इसका कसूरवार सबसे ज्यादा मैं इस मौजूदा सरकार को, इस केंद्र सरकार को ठहराऊंगा कि बाहर के लोग आज इन्होंने जम्मू कश्मीर में लाकर बिठाए हुए हैं, जिनको जम्मू कश्मीर के समीकरण का नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से चलाना है, वो बाहर का यूपी का, बिहार का कानून जहां पे लागू करते हैं और उसी वजह से जम्मू आज सुलग रहा है। चप्पे चप्पे में, एक एक कोने में, हर एक शहर में, हर एक चौराहे में, चाहे वो किसी भी वजह को लेकर किया जाए, चाहे स्मार्ट मीटर की बात करें, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, चाहे ये टोल प्लाजा की बात करें, आज जम्मू का चप्पा चप्पा सुलग रहा है, तो इसके लिए ये मौजूदा सरकार ही बिल्कुल कसूरवार है। देखिए भाजपा के वो बड़े बड़े कार्यकर्ता जो बड़ी बड़ी बातें जम्मू के हक के लिए करते थे, बड़े बड़े वादे इन्होंने 2014 में किए थे, चाहे मैं आपको याद कराना चाहूंगा पर मुझे लगता है जनता को याद भी होंगे, ना काला धन कहीं से वापस आया, ना रोजगार कहीं से मिला, ना जम्मू के लिए अच्छे दिन आए, ना डोगरा राज आया, ना जम्मू का मुख्यमंत्री मिला। लेकिन आज ये लोग आप बताइए, आज ये लोग जनता में आए तो किस मुंह से आए? आज इनको ये डर है कि हम जनता को किस तरह से फेस करें, जनता इनको एक करारा जवाब आने वाले समय में देगी और मैं ये कहूंगा कि इसी वजह से ये आज बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है जनता के जो उठते हुए सवाल हैं। बहुत खुशी हुई कि हमारे बॉर्डर बेल्ट के लोग भी काफ़ी जागरूक हुए इस चीज़ को लेकर और लोग वहाँ से उठ के जहाँ पे आए हैं। मैं जम्मू के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो जम्मू में है, उधमपुर में है, सांबा में है, कठुआ में है, जितने भी नागरिक और जितने भी अपने आप को डोगरा मानते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे सभी से ये अपील करता हूँ कि इस संघर्ष में शामिल होकर उन जो लोग, जो हमारे युवा राजपूत सभा के लोग, जितने भी सदस्य अंदर जेलों में बंद हैं, उनको रिहा कराने की अपील करें, उनको रिहा करवाएं और जो इलीगल टोल जहां पे लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जम्मू में पैदा हो चुके हैं। ये जो एलजी सरकार है, इन्होंने टोटली तानाशाही मचाई हुई है और ये चाहते हैं कि हमारे डोगरों को दबाना चाहते हैं। डोगरा दबने वाला नहीं है, ये महाराजा हरि सिंह की रियासत है, ये कभी नहीं डगमगाएंगे और ये संघर्ष जो जारी रहेगा और आने वाले टाइम में हम यही अपील करते हैं, अगर हमारी डिमांडों को नहीं माना गया, हम पूरे जम्मू को और जम्मू के बॉर्डर को बंद कर देंगे। जय हिंद।